दोस्तों 12 मूवीज 16 टेलीविजन शोज और 9 वेब सीरीज में काम करने वाली ये एक्ट्रेस 2006 तक लड़की नहीं लड़का थी। लगाना 440 वोल्ट का तड़कता भड़कता झटका, लेकिन कैसे ये जवाब आप मुझसे मांगो उससे पहले आपको मेरे सवाल का एक जवाब देना होगा। कुछ कुछ होता है कि स्टार सना सईद को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखकर क्या आपने भी सोचा था कि भाई कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। पर शायद आपको ये नहीं पता कि उस मूवी से कुछ कुछ होता है कि एक और चाइल्ड एक्टर का नाम जुड़ा था, वही एक्टर जो तारे गिनता रहता था, पर जो आज भी तारे गिन रहा है या नहीं, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कुछ होता है मूवी के चाइल्ड एक्टर्स की। ये पिद्दू सा बच्चा जिसने पूरी मूवी में सिर्फ एक ही डायलॉग बोला था, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो। तुसी ना जाओ। और ये डायलॉग सिर्फ काजोल को ही नहीं बल्कि पूरी पब्लिक को रुला देता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इसी बच्चे की बात की थी, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिर्फ सना सईद ही नहीं परजात दस्तूर भी शामिल थे और इन दोनों चाइल्ड एक्टर्स में फर्क सिर्फ इतना था कि एक पर्दे के आगे मौजूद थी और दूसरा पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इन दोनों सितारों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। जहां सना फिर से पर्दे के सामने आकर लोगों के दिलों पर छा गई, वहीं 30 साल के परजान को अब राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। अपने बचपन में हम तो मूवी के कैरेक्टर को आवाज देने वाले इस चाइल्ड एक्टर ने अपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म करने के बाद 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की टीम को एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया। फिर 2013 में गोरी तेरे गांव में और 2016 में फितूर में भी इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जिसके बाद ये अपनी को फाउंडेशन प्रोडक्शन कंपनी 10 कलर प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो मार्च 2021 में ही इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड डेलना शराफ के साथ शादी की है। मतलब लाइफ में अगर कोई सेट है तो ये इंसान है भाई। नंबर 2 पर है जुड़वा, टन टना टन 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 तारा। ये गाना आज भी आपको याद होगा, पर क्या आपको ये गाना गाने वाले सलमान का बचपन याद है, जिसे जुड़वा में इस बच्ची ने निभाया था। वेल, अभी तो आपको याद आ ही गया होगा, और जुड़वा ही नहीं, अब तो आपको इस बच्चे के करियर की सबसे पहली मूवी मासूम और बॉलीवुड की टॉप हिट मूवी हीरो नंबर 1 और जुदाई भी याद आने लगी होगी, जिसमें इस चाइल्ड एक्टर ने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन ये बच्चा कैसा दिखता है क्या आप जानते हैं? चलिए कोई इंतजार करवाए बिना पेश है ओमकार कपूर, जिसे आप प्यार का पंचनामा 2, यू मी और घर, झूठा कहीं का जैसी मूवी में हीरो के तौर पर जानते होंगे। पर सिर्फ ये मूवीज ही नहीं, आजकल ये एक्टर बहुत सी वेब सीरीज के लिए भी फेमस है। पर जानते हैं कि इनके बारे में क्या फेमस नहीं है? वो है इनका परिवार, जिन्हें इन्होंने लाइमलाइट से दूर ही रखा है, और इसकी वजह तो शायद गूगल भी नहीं जानता होगा। चलिए अब बात करते हैं कभी अलविदा ना कहना मूवी की। 2006 में कभी अलविदा ना कहना मूवी में शाहरुख खान के बेटे ने क्यूटनेस में सबको पीछे छोड़ दिया था, पर 2017 में वायरल खबरों की दुनिया ने बताया कि ये बेटा नहीं बेटी बन चुका है, वो मतलब कि बन चुकी है। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि असल में इस बच्चे ने ना तो कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और ना ही सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है। ये बच्चा असल में बचपन से ही लड़की था, जिसे सिर्फ मूवी के लिए गेटअप दिया गया था, और इसकी कमाल की एक्टिंग आपको याद ही होगी, जिसके मासूम से दिल ने आपको ये यकीन दिला दिया था कि ये लड़की नहीं लड़का है। पर कभी अलविदा ना कहना, माय फ्रेंड गणेशा और वास्तु शास्त्र जैसी मूवी में भले ही इसने लड़के का रोल किया हो, लेकिन इसके चेहरे को आज की तारीख में देखकर एक लड़के को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एहसास के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी तो जैसा कि मैंने बताया था कि 12 मूवी 16 टेलीविजन शोज और 9 वेब सीरीज कर चुकी इस लड़की की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कहो ना प्यार है, ये मूवी तो शायद आपने देखी ही होगी, लेकिन चलिए अब बताइए इसमें ये बच्चा कौन है।
चलिए हम ही आपको बता देते हैं, ये वही बच्चा है जिसे आपने ऋतिक रोशन की पीठ पर चढ़कर उसके डेब्यू फिल्म में घूमते घुमाते देखा था। वेल, अब ये एक्टर 32 साल के हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये 2000 के बाद कभी भी पर्दे पर नहीं आए हैं। लेकिन मेरे भाई बड़े पर्दे की बजाय इन्होंने अपना रुख छोटे पर्दे यानी कि टीवी की ओर किया था, जहां इन्होंने 2008 से 2010 तक मिले जब हम तुम शो में काम किया। पर 2020 में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इसने कहा कि वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है और बेकरार है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में शायद ये आपको बड़े पर्दे पर भी नजर आ जाए। अगले नंबर पर है कभी खुशी कभी गम। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई वाला टंग ट्विस्टर बचपन में सबने याद किया था, क्यों है ना, किया था ना। लेकिन ये टंग ट्विस्टर बुलवाने वाली मालविका राज, आपको शायद याद ना हो पर मुझे तो याद है कि मूवी में बड़ी होकर पू भले ही करीना कपूर दिखती हो, लेकिन रियलिटी में पू कुछ और ही दिखती हैं, जो 2021 में आई मूवी स्क्वाड में फिर से एक बार सुर्खियों में आई और बड़े पर्दे पर मालविका का आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मालविका असल में 144 बॉलीवुड मूवीज में पुलिस बन चुके एक्टर जगदीश राज की ग्रैंड डॉटर है, एक्ट्रेस अनीता राज की भतीजी है और डायरेक्टर बॉबी राज और प्रोड्यूसर रीना राज की बेटी है। मतलब ये तो होना ही था, पर मालविका की बात हो और लड्डू उर्फ कवीश मजूमदार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कवीश मजूमदार ने कभी खुशी कभी गम से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन साथ ही लक मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया। गौरी तेरे प्यार में, मैं तेरा हीरो, बैंक चोर जैसी मूवी में भी उन्होंने एक्टर के तौर पर काम किया। अब इस एक्टर की तारीफ करने से पहले मैं आपको अंजलि और राहुल के बेटे यानी कि जिब्रान खान के बारे में बता दूं। एज अ मॉडल काम करने के बाद करण जौहर की ब्रह्मास्त्र मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ये काम कर चुके हैं। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम मूवी ने इन तीनों एक्टर्स की जिंदगी बना दी। तारे जमी पर एक सुपरहिट मूवी के बाद बहुत लोगों को ये लगता है कि एक एक्टर को पैसा, शोहरत और इज्जत मिलती है, पर कभी कभी लोगों को दादागिरी का शिकार भी होना पड़ता है, जैसे कि दर्शील सफारी। तारे जमी पर मूवी का स्टार अब 25 साल का हो चुका है और उनका कहना है कि एक एक्टर के साथ कुछ भी हो सकता है, इसके लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। और 11-12 साल की छोटी सी उम्र में ही तारे जमी की सक्सेस के बाद उन्हें बुली किया गया, तब वो ये भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और इस सब का क्या मतलब है। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही बुली से बचने के लिए उन्हें हाफ डे की स्कूल से छुट्टी तक लेनी पड़ी थी। हालांकि अब उनका कहना है कि अब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसीलिए वो जल्द ही एक वेब शो और रत्ना पाठक शाह और मानसी पारिख के साथ एक गुजराती फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। यही नहीं, दर्शील ने अपने चाहने वालों को ये भी बताया कि भले ही उनका करियर छोटा हो और लेट शुरू हुआ हो, पर वो खुश हैं कि वो किसी भी फिल्मी फैमिली से नहीं है, जिससे कि वो अपना ओरिजिनल स्टाइल दे पाएंगे। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं मूवी पार्टनर की। मैं मेरा होमवर्क, मेरी फाइट और मेरी माँ का ख्याल खुद रखता हूँ। अब ऐसे तेवर हो तो क्या बॉलीवुड और क्या ऑडियंस, सभी फैन हो जाते हैं। पर पार्टनर, फना, माय फ्रेंड गणेशा 2 और तारा रंपम जैसी मूवी में रोल करने वाले अली हाजी का हंड्रेड्स ऑफ टीवी कमर्शियल के बाद पहला रोल अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी में उनकी फैमिली में ग्रैंड सन के तौर पर हुआ था। हालांकि इस मूवी में अली को अपने रोल के लिए क्रेडिट नहीं मिला था, फिर भी अली ने बिना क्रेडिट के ही अपनी क्यूटनेस से और अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया था, इसकी गवाही तो ये मूवी खुद दे रही है। लेकिन अब ये सिर्फ एक्टर ही नहीं रहे, 2018 में नोबल मैन मूवी में डेब्यू करने वाले अली 2019 में राइटर और डायरेक्टर भी बन चुके हैं और आजकल वो अपनी ही रिटर्न और डायरेक्टेड फिल्म जस्टिस फॉर गुड कॉन्टेक्ट के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं, जिसे उनके फैंस जल्दी ही एंजॉय कर पाएंगे। आपको हमारे आज के वीडियो में कौन से किड स्टार की एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद है या आप जिनके फैन हैं उनका नाम हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।